सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना इतना सर घोटाला की हुई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात एक महिला पीसीएस अधिकारी आजकल चर्चाओं में है। दरअसल इस महिला अधिकारी पर उन्हीं के पति ने बेवफाई के आरोप लगा दिए हैं, और न सिर्फ आरोप बल्कि उसकी पत्नी और प्रेमी के व्हाट्सएप चैट भी वायरल कर दिए हैं। महिला आईएएस ज्योति मौर्य के पति पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, और उनका दावा है कि शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को सिविल परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करवाई और 2015 में ज्योति मौर्य का चयन हो गया, और बस यहीं से शुरू हो गया बेवफाई का सिलसिला। पीड़ित आलोक कुमार मौर्य का आरोप है कि उनके पत्नी के गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से अवैध संबंध हैं। आरोप है कि ज्योति मौर्य फोन कर उन्हें तलाक देने के लिए धमकी भी दे रही हैं। इससे पहले 7 मई को उन्होंने धूमनगंज थाने में अपने पति आलोक मौर्य के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। ये बताइए कि क्या पूरा मामला है और आपकी पत्नी किस पद पे है और किस तरह की आपको धमकी दी जा रही है? कौन आपको धमका रहा? सर मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया, उनको सर मैंने पढ़ाया पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका, उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने 3रा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी, उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम, और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है, और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर, और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। उधर पति के आरोपों के बाद आईपीएस ज्योति मौर्य भी मीडिया के सामने आई और उन्होंने आरोपों पर सफाई दी। ज्योति मौर्य ने दावा किया कि आलोक कुमार मौर्य उनसे 50 लाख रुपए और घर की डिमांड कर रहे हैं। ज्योति मौर्य का दावा है कि आलोक कुमार मौर्य ने उनसे झूठ बोलकर शादी की। उन्होंने शादी से पहले बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जबकि वो एक सफाई कर्मचारी थे और इसी वजह से वो आलोक कुमार मौर्य से तलाक लेना चाहती हैं। मैं आपसे जानना चाहेंगे आपके पति ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक के लिए मेरे द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा। पति पत्नी के बीच हुए इस विवाद के बाद आलोक कुमार मौर्य ने अपनी पत्नी और आईपीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने के भी आरोप लगाए, साथ ही इससे जुड़े सबूत भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। सॉरी वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा था, अब कनेक्टिविटी सही होगी। तो इनकी एक कंप्लेंट मुकुल गोयल के यहाँ भी पड़ी हुई है, तो वो तो 14 महीने पहले, मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है। हाँ, तीन लड़कियों का टोटल कंप्लेंट है ना। अच्छा एक तो जो आपने आर्टिकल पर है ये तो पुरानी न्यूज़ है। जी 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 ये, हाँ एक कोई है जो कि चीफ मिनिस्टर के पास लड़की रोती हुई गई, वो सामान्य कोई लड़की है। अच्छा ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट से नहीं है। जी जी जी। और तीसरा कंप्लेंट वो था
तीसरा कंप्लेंट गोयल साहब के पास, जो गोयल साहब के पास डीजीपी के यहाँ दी गई है, तो डीजीपी क्या गई उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हाँ वो ब्राह्मण है, वो मतलब जनरल में आती है या कैसे में आती है वो, ये नहीं मुझे पता है। मुझे सिर्फ ये पता है क्योंकि मैं रीजन नहीं बता सकता था ना उस समय कि मैं क्यों ये इंक्वायरी कर रहा। मैंने कहा था कि भाई इनके बारे में पता करना है, इनसे किसी लड़की की शादी होनी है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, राइट? एग्जैक्टली राइट। ये बोला था ना, मैं और ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता था, ब्राह्मण है कौन से कास्ट के। नहीं नहीं बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग जो है एकदम चक्कर खा जाएगा। बताइए ये सब पता है, ये ऐसा महिलाओं को ही क्यों करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। महिलाओं को करता है बिकॉज कैरेक्टर जब खराब होता है तो लोग क्या करेगा, बताइए मुझे। सही कह रहे हैं आप, कैरेक्टर आपका सही हो तो आप नहीं करिएगा। मतलब ये देखिए, एक केस होता तो मैं मान लेता कि किसी को इन्होंने कुछ कहा और इनको कोई डिपार्टमेंट का लोग तंग किया, दो तीन, समझ, ऐसे नहीं होता। चौथा मैं, चौथी मैं खुद, तो आप खुद भी तो विटनेस हैं इसके। मैं तो खुद ही गवाह हूँ इस चीज की भाई। क्या करिएगा, तो दिस हैपेंस, इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगी। अब ये जो बहुत शातिर शाना जो अपने आप को समझा, ये देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी फेसबुक तो jeevansathi.com, ठीक, ये मेरा करेक्टर स्टिक बता रहा है, इसकी फेसबुक jeevansathi.com, इसके जितने कॉल्स लड़कियों से बात करता है सारी लड़कियों से बात, आदमी पुरुष किसी पुरुष से भी बात करेगा ना तो 10 से 15 मिनट से ऊपर कोई पुरुष से बात नहीं किया है लड़कियों के साथ। मतलब यार अब जो कंप्लेन वाली सुनकर तो मैं और मतलब हद है। ये तो मुकुल जी से तो इसमें वास्तव में मिलने वाला है कि सर आपके ऑलरेडी ये कंप्लेन के अगेंस्ट पड़ी हुई है। बिल्कुल है ना, मुकुल जी तो बहुत अच्छे, बहुत सज्जन हैं जो मुकुल जी यहाँ पे आए हैं, बहुत सज्जन इंसान है। हाँ बहुत सज्जन इंसान है वो, तो उनसे तो वास्तव में तभी डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो, मीडिया में उछले, नहीं समझ रहे। लेकिन मुकुल जी तो अभी आए हैं ना, और कंप्लेन पड़ी आपके पास गया, कंप्लेन तो डीजी के पास ही रहेगा ना। तो पिछले वाले ने नहीं लिया तो अभी वाले ने क्यों नहीं एक्शन लिया। गॉट माय पॉइंट। और सब और सब ठीक है, इतना तो सुन के तो मैं तो हिली जा रही। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोस्त आ गए हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, बाय बाय।